और अगर अगर अल्पमत आ गई है और मुझे लगता है कि अब गेम ओवर है, बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है, क्योंकि पिछले बार जो 2.5 साल पहले गलतियां हुई थी राष्ट्रपति शासन लगाने की, झटपट शपथ दिलवाने की देवेंद्र फडणवीस को, वो गलती बीजेपी नहीं करना चाहती है, वो एक अलग खेमा बनाना चाहती है ताकि दल बल बदल विरोधी कानून के तहत नहीं आए जिसके लिए 37 विधायक बहुत जरूरी है। अगर अलग खेमा बनेगा सरकार अपने आप गिरेगी, तब बीजेपी खलनायक के तौर पर पेश नहीं कर पाएगा कोई भी महाविकास। अच्छा, ये जो नंबर्स है इसको जल्दी से एक बार ये बताइए, शिवसेना 55 थे 18 रह गए क्योंकि 37 बागी और 288 कुल, बहुमत का आंकड़ा 145, 132, तो फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी और कंडीशंस क्या कैसे, या तो गिरेगी या बचेगी? अगर मैं आपसे पूछूं गिरेगी बचेगी, क्योंकि वो शर्त रख दिए शिंदे जी ने कि बीजेपी से अलायंस कर लो तो बच जाएगी, मतलब मैं वापस आ जाऊंगा। देखिए वो जो उन्होंने शर्तें रखी है, मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना मानेगी कि आप बीजेपी से गठबंधन, मुझे नहीं लगता मानेगी, क्योंकि वो दूरियां काफी लंबी हो चुकी है। अच्छा, जो उनकी बयानबाजी हुई है सावरकर को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, अयोध्या को लेकर, तमाम जो बयानबाजियां शिवसेना के हुई हैं, जो बाला साहब के समय शिवसैनिक जिनको बर्दाश्त भी नहीं करते, वो बयानबाजियों का समर्थन, शायद मूक समर्थन भी किया है शिवसेना ने, तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जो खुद शिवसैनिक हैं, बाला साहब को अपना आइडल मानते हैं, उनको शायद ये बर्दाश्त नहीं होगा। शायद यही कारण है कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें बीजेपी के साथ समर्थन करना चाहिए, उनके साथ नहीं। जो दुबे जो बैठे हैं वो भी तो सच्चे शिवसैनिक हैं, अगर शिंदे जी सच्चे शिवसैनिक हैं तो आनंद भाई आप क्या नकली शिवसैनिक हैं? आप भी तो शिवसैनिक हैं, आपको भी तो बुरा लगा होगा जो जो चीजें हुई, चाहे हनुमान चालीसा को लेकर, चाहे लाउडस्पीकर विवाद को लेकर, चाहे मेरे को याद नहीं आखिरी बार आप लोगों ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस कब मनाया। अमन भाई आपका याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छा, 15 जून को आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में हम अयोध्या गए थे। नहीं 6 दिसंबर होता है, बाबरी कल ढाई गई थी, तारीख भी भूल गए। एक मिनट, आप लोग शौर्य दिवस मनाते थे 6 दिसंबर को ठाकरे। ना सर, नहीं याददाश्त आपकी कमजोर। अमन भाई मुझे बोलने, आप एंकर हैं, आपके हाथ में लगाम है तो आप हमें बोलने नहीं देंगे? नहीं, तो गठबंधन की लगाम तो आपके हाथ में है, अगर बोलने दे तो कुछ बात बनेगी। अच्छा, अगर बोलने, अमन जी बोलिए, अगर मुझे बोलने दे तो बात बताओ। आनंद भाई बोलिए। 15 जून को हम आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में अयोध्या गए थे। शिवसेना से नेताओं का जाना कोई नई बात नहीं, छगन भुजबल छोड़कर गए, नारायण राणे छोड़कर गए, राज ठाकरे छोड़कर गए, लोग कहते थे शिवसेना खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको बता दूं अमन भाई कि शिवसेना और 4 गुना ताकत से बड़ी हो गई, शिवसेना और मजबूत हो गई। सर 18 बचे हैं। शिंदे साहब के बारे में अगर कुछ कहूं, कहां ये आंकड़ा, या आपका आंकड़ा जो है पता नहीं आपने कहां से लाया है, आप लोगों की गणित बहुत कमजोर है। गणित अच्छा, आप बताइए मेरे को, कोई खबर दे दीजिए। हमारे पास टोटल 55, बता रहा हूं बैठक में कितने आए थे, बता रहा हूं बैठक में हमारे पास टोटल बता रहा हूं हमारे पास टोटल बता रहा हूं सुनिए नहीं सुनेंगे नहीं हमारे पास टोटल 55 विधायक हैं, 22 लोग बैठक में आए थे, बाकी लोग नॉट रिचेबल हैं। अब एकनाथ शिंदे का कहना है कि मेरे साथ सूरत में बहुत सारे विधायक हैं, तो मेरा 37 है, आपका नंबर 33 है, क्या फर्क है? कौन मानेगा अमन जी? तो सर आपका नंबर 33 है, मेरा नंबर 37 है, अभी पता लग जाएगा। नहीं नहीं, सुनिए तो भाई, सुनिए तो पहले, अरे सुनिए तो। अच्छा जी, सुनिए तो जी। अब एकनाथ शिंदे सुबह से कह रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, कोई व्यक्ति सूरत में दूसरे राज्य में वहां की पुलिस के संरक्षण में है और कह रहा है कि सारे विधायक मेरे साथ हैं, न कोई वीडियो रिलीज हो रही है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, घर के सदस्य FIR लिखवा रहे हैं कि हमारे विधायक लापता हो गए हैं, 24 घंटे से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? आपको यदि लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास 37 विधायक हैं, तो कर क्या रहे हैं वहां? राज्यपाल के पास जाइए प्रभु, आप बता, राज्यपाल के पास न्योता लीजिए प्रभु, सरकार गिराइए। नहीं, एक मिनट, सरकार गिरा दीजिए, राज्यपाल आपके, बीजेपी आपकी, जिस बीजेपी के बहकावे में आकर गुमराह हुए हो वो बीजेपी कितनी बड़ी मायावी है ये अभी थोड़े दिन में दिखेगा। और रही बात सरकार गिरने की, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इतना मत बोलिए बीजेपी के साथ, कल को बीजेपी के साथ सरकार बनाए होंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा, कल तक तो गाली दे रहे थे, आज तक कुछ नहीं पता अभी कल का, कल को वो सरकार बनाई होगी, इसलिए शब्दों का चयन ठीक रखिए। तो मैं आपके चैनल पे आज एक घोषणा करता हूँ। अच्छा हाँ, चलिए बहुत शानदार, मैं आपके चैनल पे घोषणा करता हूँ जी, सरकार नहीं गिरेगी। और आपके जितने विद्वान पंडित ये जो आंकड़े लेकर आए हैं कि अब गिरेगी तब गिरेगी,
कल फिर डिबेट रखना, परसों फिर रखना, 10 दिन लगातार रखना, सरकार को कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसका कारण है कि 2/3 मेजोरिटी अगर निकलती है तो ही सरकार बन सकती है, अन्यथा सबको चुनाव लड़ना होगा, सबको चुनाव जीतना होगा। ये आज के डेट में महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त आनंद जी, फिर मैं आगे नहीं करेगी। आनंद जी एक सवाल ले रहा हूं, आनंद जी एक सवाल ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, शिंदे जी ने जो मतलब बीजेपी के साथ क्या अलायंस की कोई गुंजाइश है बीजेपी के साथ अलायंस की, अगर सरकार बचाने की नौबत आती है? राजनीति में अमन जी राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। बस हो गया, फिर देखिए राजनीति कांग्रेस एनसीपी सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा। नहीं, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस विज्ञान की बात कर रहा हूँ। कोई परमानेंट शत्रु नहीं है और कोई परमानेंट मित्र नहीं है। फहमीदा जी सुन रही होंगी, फहमीदा जी बहन ही होंगी, एनसीपी से फहमीदा जी, आप इनके साथ अभी खड़े हैं। तो जी एक मिनट रुकिए ना फहमीदा जी, अभी आप शिवसेना के साथ हैं, अभी आपने सुना आनंद जी को, बीजेपी के साथ भी मतलब कोई जो है स्थाई दुश्मन नहीं, दोस्त नहीं, वो तो बीजेपी के साथ जाने को रेडी बैठे हैं भाई, आप उनके साथ बैठी हैं अभी, मतलब एनसीपी शिवसेना के साथ है। आप देखिए हमें बचाने वाले हमारे हनुमान जी हैं और हमारे हनुमान जी हमारे साथ ही रहेंगे, और आप लोग देखते रहना कि सरकार कभी भी नहीं गिरेगी। ये एक टाइम नहीं, 3 टाइम हो चुका है, ये तीसरी बार का बीजेपी का जो है षड्यंत्र है कि सरकार कैसे गिराना है। और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी है, उनका जब राज्य सरकार जब अभी राज्यसभा का हुआ उसमें 3 इनके चुनके आए, और विधान परिषद में जब इनकी 5 सदस्य चुनके आए, तो इनका जो क्या बोलेंगे जिगर है ज्यादा हो गया कि चलो अभी एक और आजमा लेते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एकनाथ शिंदे जी को ये जो भूमिका अभी किए हैं, ये जब भी बीजेपी के सामने रखनी चाहिए थी, जब ही शिवसेना को बीजेपी ने धोखा दिया, जब ही उद्धव ठाकरे को जो बोला था, जो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया, और आज बीजेपी की ऐसी हालत है कि पूरा देश जानता है कि जो भी वादे जो भी जुमले बोलते पूरा नहीं करते, उसके बाद ये कैसे जाएंगे? एकनाथ शिंदे की जो भी गलत फहमी है, आनंद जी तो कह रहे हैं कि डोर खुला हुआ है बीजेपी के साथ भी। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो कह रहे हैं संभावना है, राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, संभावना है। उन्होंने राजनीति की परिभाषा कही है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। फहमीदा जी, प्रॉब्लम कांग्रेस एनसीपी से ही है, और एकनाथ शिंदे जी शर्त रख रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस एनसीपी छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगा। आप समझ रही है, एलर्जी आप ही लोगों से है। अभी देवेंद्र फडणवीस ने उनको क्या वादा किया है या क्या लुभावनी प्रलोभन के लिए क्या उन्होंने शर्त रखी है, ठीक है, वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, जो हनुमान चालीसा आपने दिखाई अभी, आप लेकर बैठी हैं, पिछली बार भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था आपको, पता है इसी हनुमान चालीसा विवाद की वजह से भी शिंदे जी नाराज हैं कि हनुमान चालीसा के चक्कर में देशद्रोह लगा दिया। ये शिवसेना है, आप लोग तो चलो खुश हुए, वो अच्छी बात है, वो आपकी सेकुलर क्रेडेंशियल्स को सूट करता है, लेकिन शिवसेना की छवि डेंट हो गई कि शिवसेना की सरकार में हनुमान चालीसा पर देशद्रोह, ये जो आप हनुमान चालीसा लेकर बैठी हैं। फहमीदा, उन्होंने हनुमान चालीसा के ऊपर देशद्रोह नहीं, उन्होंने जिस हिसाब से चुनौती दी थी, आज एक मुख्यमंत्री को चुनौती देना, फहमीदा जी वो घर से भी नहीं गलत है, वो तो घर से भी नहीं निकली थी, उन पर देशद्रोह लगा दिया था, आप भी नहीं, उन्होंने चुनौती दी थी, आप उनके सुनिएगा, और इस चुनौती पर देशद्रोह लगता है आज, चुनौती पे नहीं आज सीएम जो संविधान की शपथ लेता है वही संविधान की शपथ, वो एमपी रहे के उन्होंने भी वही शपथ ली, फिर किधर ना किधर संविधानिक मामला बीच में आता है। ठीक है, ठीक, मैं एक बार जल्दी से अवनीजेश अवस्थी जी, एक कमेंट आपका, अवनीजेश अवस्थी, आपको लग रहा है बचेगी, टिकेगी, गिरेगी, क्या होगा? और ये हिंदुत्व पर उद्धव का अग्निपथ मैंने नाम दिया, ये अग्निपथ है, उन्हें हिंदुत्व पर सत्ता या हिंदुत्व का सम्मान वर्सेस सत्ता में से एक को चुनना है। ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भैया एक हिंदुत्व की छवि खराब हो गई शिवसेना की। बोलिए आप अमन जी, अवधेश कुमार भी, अवधेश जी आ रहा हूं अमन जी सरकार के बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि जो शिवसेना, जो परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उस वैसी की पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन लेती है जिसने औरंगजेब की मजार पर जाकर के सजदा किया था, जिसने संभाजी की आंखें निकाल ली,
वो शिव सैनिक, महाराष्ट्र का शिव सैनिक जो है किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को स्वीकार कर सकता है क्या? अब बताइए मुझे, वो शिव सैनिक, लाखों शिव सैनिक के जवाब दूंगा, आपको आप समझ नहीं सकते। जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर गद्दार है, उसके साथ उसके सामने घुटने टेक के बैठेगी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना? अमन जी मैं जवाब दूंगा, एक मिनट पूरा कंप्लीट करने दीजिए, सामने बैठेगी क्या? कंप्लीट करने दीजिए। ये बात 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 सिर्फ एकनाथ शिंदे की नहीं, एकनाथ शिंदे ने वास्तव में उन लाखों शिव सैनिकों की आवाज को पहचान करके सामने रखा है, और ये बात बड़ी साफ सी है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके की तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब ये नहीं होता। ये जो आपका सवाल है ना अवनीश अवस्थी, ये एक मिनट मैं ले जाऊं, मैं एक मिनट आगे लेके जा रहा हूं, फिर मैं अवधेश जी आऊंगा। आनंद भाई ये तो आपने AIMIM से गठबंधन कर लिया था शिवसेना ने अभी अभी चुनावों में राज्यसभा के लिए, AIMIM से गठबंधन, वो AIMIM मुझे जिसके नेता औरंगजेब औरंगजेब की मजार में होती है अमन जी, अकबरुद्दीन ओवैसी वो लोग, मुझे हैरानी होती है अमन जी, आपका इतना बड़ा चैनल है, इतना लोकप्रिय चैनल है, आपके पास खबरें कैसे आती हैं? MIM ने कांग्रेस को समर्थन दिया था इमरान प्रताप गढ़ी को, न तो हमने मांगा था और न उन्होंने हमको दिया था। अलायंस समझा रहे थे, अलायंस है ना भाई, अलायंस है ना आपकी सरकार है ना, कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस के साथ आप हैं, कांग्रेस से पूछिए, तो कांग्रेस के साथ है ना, कांग्रेस से पूछिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता, आनंद भाई उसी कांग्रेस के साथ है, क्या शर्म आ रही है कांग्रेस के साथ जाने में? नहीं सरकार में है, सरकार में है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो AIMIM के साथ है, हमारा हिंदुत्व हमारे प्राण के समान है, जो हमारे शरीर में जुड़ा है, और MIM के साथ जो गए हैं वो कांग्रेस गए हैं, शिवसेना ने कभी वोट नहीं मांगा। इसके लिए कहता हूं कि आप लोग जानकारी आनंद जी सिद्धांतों से समझौता गठबंधन करके ही किया जाता है। आप जो औरंगजेब के साथ आपकी सहयोगी उसके साथ, आप समझ रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ और कांग्रेस AIMIM के साथ लिया नहीं लिया, AIMIM का गठबंधन हुआ था। अरे हमने सरकार बनाई है सर, सरकार महाराष्ट्र सरकार बनाई है प्रोग्राम पर। अवधेश जी आप बोलिए फंसेगी गिरेगी बचेगी। अमन जी ऐसा है, फहमीदा जी अभी बोल रही थी तो मुझे लगा शायद ये उद्धव ठाकरे के हनुमान संजय राउत की बात कर रहे हैं या फिर शरद पवार की कर रहे हैं कि हनुमान जी हमको बचा देंगे, क्योंकि इस समय तो दो ही हनुमान है वहां। देखिए भारत के किसी भी बड़े राज्य में, देखिए सामान्य घटना नहीं है, मैं कह रहा हूं भारत के किसी भी बड़े राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य दल के अंदर जिसके नेतृत्व में शासन हो, इतना बड़ा विद्रोह कम से कम सन 2000 के इस सदी में तो नहीं हुआ था। इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं छोटे छोटे विद्रोह होते थे, लेकिन आप देखिए कि शिवसेना के प्रधान एवं मुख्यमंत्री का आप 37 बता रहे हैं, मैं मान लेता हूं उतना नहीं है, केवल 22 विधायक उपस्थित हुए, ये असाधारण घटना है। अब आप समझिए कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत मान रहे थे ब्रांड में जो हमने मैंने इम्तियाज जलील का ट्वीट खोल लिया, ये अभी मुझे कह रहे थे मेरा होमवर्क कमजोर होता है, इनको बताता हूँ। इम्तियाज जलील ऑल इंडिया MIM के सांसद है, इन्होंने ट्वीट किया था हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया, महाविकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी, आप लोगों ने ऑल इंडिया MIM के साथ गठबंधन किया, वो ऑल इंडिया MIM जो औरंगजेब की मजार पर जाते हैं जिनके नेता, ये हिंदुत्व आपका, आप लोगों ने ऑल इंडिया MIM के साथ गठबंधन किया आनंद जी, ऑल इंडिया MIM औरंगजेब की मजार पर जाने वाले ऑल इंडिया MIM अकबरुद्दीन ओवैसी, और ये इम्तियाज जलील ने बताया कि बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया। महाविकास अघाड़ी मतलब शिवसेना के नेतृत्व वाला गठबंधन है, तो आप इसमें शिवसेना को क्यों घसीट रहे हैं? औरंगजेब भक्तों के साथ गठबंधन कर लिया, आपने औरंगजेब प्रेमियों के साथ गठबंधन कर लिया। भाई हमारी सरकार, हमारी सरकार तो 2.5 साल पहले बनी है, ओवैसी तो मजार पे अभी गया है, आप कैसी बातें कर रहे हैं अमन भाई? अच्छा चलिए मैं, हमारी सरकार 2.5 साल पहले बनी है, लोग तय करेंगे, अवधेश जी भी मुस्कुरा रहे, अवधेश अवस्थी भी, लोग ही तय करेंगे, लोग ही तय करेंगे, लोग ही तय करेंगे, पार्टी से वो ओवैसी की पार्टी
जिनके जो अकबरुद्दीन ओवैसी वो औरंगजेब की मजार पर जाते हैं, और आप कट्टर हिंदुत्ववादी गर्व से कहते हैं बाला साहब की पार्टी, और आप लोगों ने ऑल इंडिया एमआईएम से गठबंधन किया, शिंदे जी भी नाराज है और आप भी सच्चे शिवसैनिक हैं, विरोध करिए, विरोध करिए आप भी, आपको करना चाहिए, बोलिए मैं सच्चा शिवसैनिक हूं, मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन सत्ता की बेड़ियां छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, शिवसैनिक आनंद जी, आनंद जी बिल्कुल बिल्कुल सच्चे हैं आप, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं तुरंत।